Assalamualaikum, welcome back to another new and fresh vlog. मारिया बी की लग्जरी ईद लॉन स्टिच होके आ चुकी है. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग्स में ही बता दिया था कि मारिया बी के कुछ अच्छे खूबसूरत लग्जरी आर्टिकल्स जो हैं स्टिच हो रहे हैं. जैसे ही वो स्टिच हो जाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. तो ये वाले दोनों ड्रेसेस हिट कोड्स हैं. आप लोग ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैं ये आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास स्टॉक मौजूद होता है. क्योंकि जिस दिन लॉन्च होती है उसी दिन मैं काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स जो हैं वो परचेज कर लेती हूँ अपने व्यूवर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए जो मेरे जरिए से शॉपिंग भी करते हैं और कपड़े सिलाई वगैरह भी करवाते हैं. ठीक है, इसके अलावा भी और भी बहुत से ड्रेसेस हैं जो कि आपको मिल सकते हैं एम प्रिंट्स के अंदर. तो व्लॉग्स देख लेना, पार्ट वन और टू वीडियो लाजमी, ये पार्ट थ्री वीडियो. ठीक है, कस्टमर का पार्सल बिल्कुल रेडी है. इन्होंने ये तकरीबन 8 सूट जो हैं वो स्टिच करवाए हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं. ठीक है, ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए हैं. इनकी वीडियोज़ वगैरह अगर नहीं देखी तो जाकर देख लें, चैनल पर अपलोडेड है. इनके 8 सूट थे, माशाल्लाह से इन्होंने 8 सूट स्टिच करवाए हैं. ठीक है, तो ये 2 सूट रहते हैं, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ. आपने क्या करना है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो. ठीक है, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना. और अगर आप ये शॉपिंग करवाना चाहते हैं या अपने कपड़े स्टिच करवाना चाहते हैं तो देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत कपड़े आपको मैं स्टिच करवा के देती हूँ, और बहुत ही नाइस इसकी स्टिचिंग होती है कपड़ों की. ठीक है, तो देर किस बात की है, जल्दी से अपना फ़ोन उठाएं, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें. जो भी शॉपिंग करवानी है, जिस भी ब्रांड की शॉपिंग करवानी है, आप लोगों ने मुझे बता देना है. पेमेंट आप लोगों ने एडवांस में करनी है, और अगर सिलाई भी करवानी है तो व्हाट्सएप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले बता दी जाएगी कि सूट जो है सर्विस चार्जेस क्या होते हैं, डिलीवरी चार्जेस क्या होते हैं, इसके अलावा जो कपड़ों की सिलाई करवानी है उनका क्या हिसाब किताब है. तो आपने पहले सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके बाद आप लोगों ने अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देना है. अच्छा, ये ब्लैक कलर का सूट है, इसका सेकेंड कलर भी अवेलेबल है. ये सूट जो था पैचेस के अंदर था, पार्ट्स के अंदर था, इसको असेंबल करके बड़ी प्यारी सी इसकी लुक आ गई है. ठीक है, जब सूट अनस्टिच होता है तो कुछ समझ नहीं आ रही होती, लेकिन मॉडल पिक्चर देख के फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होता है. और जब सूट स्टिच होके आ जाता है फिर तो क्या ही बात है, इतने हसीन आर्टिकल्स लगते हैं ना मारिया बी के. तो यकीनन आपको मेरी तमाम बातें समझ आ रही होंगी, और जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो जानते हैं, और जो ऑलरेडी मुझसे शॉपिंग करवाते हैं या कपड़े सिलाई करवाते हैं उनको भी बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा. ठीक है, जो न्यू आए हैं उनसे मैं बात कर रही हूँ, उनको बता रही हूँ कि भाई अगर आप मेरे चैनल पे आ गए हैं तो आपने कहीं भी नहीं जाना, डेली इस तरह के अच्छे व्लॉग्स देखने हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सूट मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाने जा रही हूँ ओपन फॉर्म में, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि सूट कितना ज़्यादा खूबसूरत. अच्छा जी, ये इसकी लुक चेक कर लें ज़रा. सबसे पहले ये इसकी शर्ट है, पूरी कमीज देख लें इस तरह से बनी हुई है, और ये पैनल्स के अंदर शर्ट आई थी, पैचेस के अंदर थी, तो इसको बिल्कुल असेंबल करके एक बड़ी यूनिक सी लुक क्रिएट कर दी गई है. इसके स्लीव्स भी आपको दिखें हैवी वाले एम्ब्रॉयडर्ड मिलेंगे. अच्छा, ये सूट फॉर्मल ईद कलेक्शन है, तो ये ऑर्गेंजा के ऊपर बना हुआ है लॉन का. इसके साथ जो है वो आपको ट्राउजर्स मिल जाएगा, और नेट का आपको इसके साथ दुपट्टा मिलेगा. चलिए जब इसकी मैं डिटेल वगैरह दिखाती हूँ, इसकी नेक दिखाएं ज़रा सबसे पहले. अच्छा, ये इस तरह से ओवरलैप जो है नेक लाइन और गेंजा के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, इसके साथ फिक्स करवाई गई है. बाकी ये 3D फ्लावर्स इसके ऊपर बने हुए हैं. कढ़ाई बड़ी प्यारी बड़ी ज़बरदस्त है मारिया बी की, और गेंजा के ऊपर चिकनकारी बनी हुई है. और ये पूरा जो है ना आप देख रहे हैं एप्लिक वर्क है सूट के ऊपर, ये ब्लैक कलर का जो आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, ब्लैक प्रिंटेड फैब्रिक है, और इसके साथ साथ ये सारी एम्ब्रॉयडरी है ब्लैक कलर की, और जो आपको इसके ऊपर फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं ये चेक करें ज़रा. और इसके साथ साथ पर्ल्स और स्टोन्स का काम भी है सूट के अंदर. ये देखें मारिया बी ने इतना ये प्यारा जोड़ा बनाया, तकरीबन 18,000 या 19,000 का ये सूट है न्यू अराइवल के अंदर है, क्योंकि अभी इसकी लॉन्च हुई है. आपको पता होगा मारिया बी की जो लग्जरी लॉन आई है उसमें से ये खरीदा गया है, और डे वन पे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी. ठीक है, तो ये भी डे वन पे बाय किए गए कपड़े हैं, ये चेक करें ज़रा. प्री बुकिंग होती है, अगर आप लोगों ने शॉपिंग करवानी तो एडवांस में पेमेंट करवानी होती है. ठीक है, अच्छा देखें ट्रिपल लेसेस लगवाई गई हैं 1, 2 एंड 3, ताकि सूट की जो एक मॉडल लुक थी उसको बिल्कुल मेंटेन रखा गया है. लग्जरी सूट है तो भाई लग्जरी ही लुक है. अच्छा, इसका जो एप्लिक वर्क है और चिकनकारी वर्क है बोरिंग वर्क है वो ज़रा चेक कर लें. ये देखें कमीज़ के ऊपर कितना ये हसीन लग रहा है. अभी मैं आपको शर्ट का बैक का डिज़ाइन भी दिखाती हूँ, और ये बहुत ही खूबसूरत सिंपल से एक आर्टिकल है. मतलब स्टिचिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़ा यूनिक इसको बनाया गया है. पहना हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा है. बैक इसकी सिंपल और प्लेन है, और गेंजा की है पूरा सूट ही, और गेंजा का. ठीक है, शर्ट पीस जो आप देख रहे हो ये बैक पे भी कढ़ाई वाला पैच लगा हुआ है. अभी बात करते हैं इसके स्लीव्स की, तो मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ. इसके स्लीव्स भी बड़े प्यारे बने हुए हैं, जिस तरह इसका गला बना हुआ है, दामन बना हुआ है, वैसे ही इसके बाजू भी अच्छे बने हुए हैं. ये देखें स्लीव्स पे भी इस तरह से ट्रिपल लेसेस, मतलब पूरा अच्छा काम करवा के दिया जाता है कस्टमर को,
कि कस्टमर का जो सूट है अगर अच्छा है तो वो मज़ीद अच्छा हो जाए और वो खुश हो जाए अपने कपड़े देख कर के, भाई इतने पैसे लगाए, आपको पता है मारिया बी के कपड़े कितने महंगे होते हैं, ऊपर से स्टिचिंग कितनी महंगी एक्सपेंसिव वाली होती है, तो कपड़े अच्छे सिलाई करवा के ना दिए जाएँ तो कस्टमर के पैसे ज़ाया हो जाते हैं। और कस्टमर, बड़ी बात है पैसों की तो बात नहीं, लेकिन कस्टमर का दिल ही टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा ख्याल रखा जाता है, मैं अपने कस्टमर्स का ख्याल रखती हूँ कि उनको अच्छे तरीके से प्रॉपर स्टिचिंग करवा के दूँ, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर इसका मैं दुपट्टा भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इसके साथ नेट का दुपट्टा है और ये देखें कितना हसीन लग रहा है। ये लेसेस के साथ जिस तरह शर्ट पे लगवाई गई हैं वैसे इसके पल्लुओं पे लगवाई गई हैं, क्योंकि इसकी जो कढ़ाई मिली है दुपट्टे की वो लेंथ साइड की कढ़ाई मिली है, ठीक है। ये देखें ये वाली कढ़ाई इसके साथ ही थी, बाकी पल्लुओं की कढ़ाई नहीं थी, लंबाई की कढ़ाई थी। तो पल्लुओं को मैनेज करने के लिए कि वहाँ पर भी मतलब पूरी खूबसूरत लुक आए, तो वहाँ पर मैंने वही लेसेस ऐड ऑन करवाई हैं जो कि मैंने शर्ट पर ऐड ऑन करवाई हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वाली लेसेस मैंने लगवाई हैं शर्ट पे, तो ये मैंने दुपट्टे पे भी लगवा दिए। आई होप कि आपको ये सूट काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और ये जोड़ा अगर खरीदना चाहते हैं, इसका सेकंड कलर भी देख लो जाके, मेरे मेन चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, देखो जाके कितने प्यारे और कितने हसीन सूट्स हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मारिया बी का नेक्स्ट आर्टिकल। मारिया बी की लग्जरी लॉन आ चुकी है, ये लॉन आपको मिल जाएगी स्टोर्स पर भी और ऑनलाइन भी, ठीक है। अगर मेरे से शॉपिंग करवानी है या आप लोगों ने अपने कपड़े स्टिच करवाने, तो ये सूट देखें मारिया बी का ये हिट कोड है और ये स्टिच होने के बाद तो और भी हसीन लग रहा है। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, नेट के ऊपर सारी कढ़ाई है और इसके शर्ट और गेंजा पे बनी हुई लॉन के इसके साथ ट्राउजर्स है। इतना प्यारा सूट है, ये तकरीबन 18,000 रुपये का ये सूट है। अगर आप भी ये खरीदना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से आपने रब्ता कर लेना। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी जल्दी से जाओ मेरे चैनल पर, डिटेल विजिट करो, देखो सूट कितना प्यारा बना है। ओके जी, ये रहा नेक्स्ट आर्टिकल और ये है मारिया बी का लग्जरी लॉन के अंदर से ईद कलेक्शन में से बड़ा ही प्यारा हिट कोड। इसका सेकंड कलर जो है वो आई थिंक सो सी ग्रीन कलर के अंदर है। ये रेड मैरून कलर का सूट है, इसमें ट्राउजर्स लॉन का है, नेट का दुपट्टा है, बड़ा प्यारा खूबसूरत किस्म का, और इसके साथ नेट की ही शर्ट है, ठीक है। फ्रॉक जो है वो भी नेट के ऊपर बनी हुई, प्योर नेट सॉफ्ट किस्म का मटेरियल। ये इसका दुपट्टा भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी इसकी फ्रॉक जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रॉक जो है इसकी बड़ी प्यारी बनी है, इसमें इसके ऊपर एक तो रेशम का काम हुआ है, बाकी फॉयल वर्क है और इसके ऊपर पूरा कपड़ा जो है वो कढ़ाई से भरा हुआ है, ठीक है। इसका फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा बना है, अभी मैं आपको इसका फ्लेयर भी दिखा देती हूँ। इसके बाद इसकी मुकम्मल लुक भी मैं दिखाऊंगी। आपने अगर इस तरह के कपड़े स्टिच करवाने हैं, फैंसी हो गए, फॉर्मल हो गए, कैजुअल हो गए, कुछ भी आपने सिलाई करवाना है, तो आप लोगों ने देर नहीं लगानी है, जल्दी से आप लोगों ने मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना है। ये देखें जी, इसका फ्लेयर आप चेक करें, कितना खूबसूरत इसका फ्लेयर है और पूरा फ्लेयर जो है, पैनल्स जो हैं फुली एम्ब्रॉयडर्ड हैं। दामन का पैच जो है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है, काफ़ी हैवी बना हुआ है, जिसके अंदर आपको फॉयल वर्क भी नज़र आ रहा है, सीक्वेंस रेशम तिल्ला सब कुछ इसके अंदर लगा हुआ है। बाकी ये प्योर नेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी, इसमें जो पैनल्स हैं उसके अंदर ये जॉइंट इस तरह से लेसेस ऐड ऑन करवाई गई हैं ताकि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाए। इसके अलावा ये वाली एम्ब्रॉयडरी पूरे फैब्रिक के ऊपर है, ठीक है। ये अगर वीडियो आपने देखनी है तो स्टोर विजिट मैंने आपके साथ शेयर किया है, वहाँ पे देखें, ये सारी कलेक्शन मैंने आपके साथ वहाँ पे शेयर कर दी हुई है, ठीक है। इसकी वी नेक बनवाई गई है, जिस तरह मॉडल पिक्चर पे बनी हुई थी वैसे ही, ये बड़ा प्यारा लग रहा है सूट। आई होप कि आप लोगों को ये तमाम आर्टिकल्स बहुत ही पसंद आ रहे होंगे और आपका दिल कर रहा होगा अगर जल्दी जल्दी से अपना ऑर्डर प्लेस करें, तो भाई देर किस बात की है। आशा गुल ब्लॉग्स के जरिए से आप लोग अपनी शॉपिंग भी करवा सकते हैं और अपने कपड़े भी सिलाई करवा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड शिपिंग की फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। इसका बैक का डिज़ाइन दिखा दें, इसके बाद मेरा सूट जो है ना हैंग करके दिखाऊंगी आपको, ताकि इसकी पूरी लुक जो है वो आपके सामने आ जाए। बैग इसकी सिंपल है, जस्ट नेट लगी हुई है और इसके ऊपर हमने पैनल्स वगैरह इस तरह से ऐड ऑन करवा दी गई हैं लेसिस के साथ, ठीक है। चलें जब इसका फ्रंट दिखाएं और साथ में इसका दुपट्टा दिखाएं। डेली सारे व्लॉग्स देखा करो, क्योंकि एक दिन के अंदर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो मैं शेयर कर देती होती हूँ, पोस्ट करती हूँ, ताकि मेरे व्यूवर्स तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा वो देखें, शॉपिंग देखें, स्टिचिंग देखें, और अगर उनको भी कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। ये रहा जी इसका दुपट्टा, नेट के ऊपर बना हुआ है और इसके ऊपर फॉयल वर्क है और पेस्ट प्रिंटेड दुपट्टा है। ये देखें जी इसका काम चेक करें ज़रा आप दुपट्टे का, ठीक है। और दुपट्टे के ऊपर ये वाला लेकर लगा हुआ है, पेस्ट प्रिंट लगा हुआ जो कि एम्ब्रॉयडरी की लुक क्रिएट करा है। दुपट्टा ज़रा ओपन करके दिखाएं, इतना प्यारा बड़ा वाला दुपट्टा है और इसकी फिनिशिंग बड़ी अच्छी करवाएगी इस दुपट्टे की भी, मैं आपको दिखा देती हूँ। बट पहले आप दुपट्टा देख लें, इस तरह से पूरा 3-piece सूट है, ईद के लिए एक खूबसूरत सा हसीन आर्टिकल है। आप लोगों की अगर ईद की तैयारी अभी तक नहीं हुई, शॉपिंग नहीं की आप लोगों, तो भी क्या करो, जल्दी जल्दी से आप लोगों मुझसे रब्ता कर लेना है, ठीक है। इसकी प्रॉपर फिनिशिंग दी गई है सिल्क पैच के साथ, क्योंकि ये फॉर्मल आर्टिकल था तो यहाँ पे सिल्क पैच ऐड ऑन करवा दिया गया। वैसे तो आपको पता है कि आजकल बड़े प्यारे दुपट्टे मैं आपको रेडी करवा के देती हूँ, ठीक है, जो आप लोगों ने प्रीवियस व्लॉग्स के अंदर देखे होंगे। सही हो गया जी, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अभी मैं ज़रा ये सूट आपको जो है प्रॉपरली डिस्प्ले करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको फ्रॉक की पूरी लुक नज़र आ जाए। ये देखें जी, यहाँ पर मैं आपको इसकी लुक जो है वो दिखाना चाह रही थी कि ये
कितना खूबसूरत आर्टिकल लग रहा है। अब इसका मैं दुपट्टा भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, यहाँ पर आप चेक करें कि ये पूरा सूट जो है वो कितना खूबसूरत और कितना हसीन लग रहा है।